तो अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो और आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमने कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, बीए जनरल के लिए, साथ ही साथ एमए इकोनॉमिक्स के लिए बनाए हुए हैं, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। वहां पर आपको वीडियो कोर्स के साथ साथ आपको जो नोट्स है वो भी मिलेंगे जो कि इग्नू के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व कराए हुए हैं, तो ये सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगा। दोस्तों एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट है वो दो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने दिया, एक मार्शल थे दूसरे हिक्स थे। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दोनों ही जो मार्शल का विचार है और हिक्स का विचार है उसको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर सरप्लस को का वर्ड का मीनिंग क्या है। पहले हम वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे एक पेज है ब्लैंक है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, या एक काम करते हैं एक और पेज ले लेते हैं समझाने के लिए सिंपल तरीके से। देखिए सबसे पहले हम आपको समझा रहे हैं वर्ड मीनिंग, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या है। कंज्यूमर सरप्लस का वर्ड मीनिंग देखिए, सपोज कीजिए कि मैं एक मार्केट जाता हूं और मार्केट में मुझे एक टी शर्ट पसंद आती है और उस टी शर्ट का जो प्राइस है, मान लीजिए मुझे नहीं पता कि वो टी शर्ट का प्राइस क्या होगा, लेकिन टी शर्ट देखने से पहले मैंने एज्यूम कर लिया कि मैं उस टी शर्ट के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 रुपीज खर्च करने को तैयार हूं। यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो पैसा है ये मेरा वह विलिंग टू पे। अब क्वेश्चन ये है कि क्योंकि मैं 1000 रुपए में खरीदने को तैयार हूं, इसलिए ज्यादा खरीदने का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। यानी कि अगर मान लीजिए इस टी शर्ट का जो मार्केट प्राइस है वो 1000 रुपए से ज्यादा हुआ, मोर देन थाउजेंड हुआ, तो क्वेश्चन ही नहीं उठता कि मैं सामान खरीदूंगा, क्योंकि मैं विलिंग टू पे 1000 हूं। यानी कि इस केस का मतलब यह हुआ कि मैं टी शर्ट को तभी खरीदूंगा जब या तो 1000 रुपीज प्राइस हो उसका और लेस देन वन थाउजेंड। यानी कि 1000 रुपए का गुड्स को मैं 1000 रुपए में खरीदूं ऐसा भी नहीं है। अब बार्गेनिंग की बारी शुरू होती है, तो उसने मुझसे बोला कि भाई कितने की टी शर्ट लगाओगे, मैंने उससे पूछा तो उसने कहा 1200 रुपए की। मैंने चलना शुरू कर दिया क्योंकि मैं जानता हूं मैं 1000 रुपए से नहीं दे सकता। तो उसने कहा कि भैया बता दो कितने पैसे दोगे, क्योंकि नॉर्मली बार्गेनिंग इसी तरीके से होती है। तो मैं भी बहुत समझदार, मैंने कहा भाई मैं तो 600 रुपए दे सकता हूं मैक्सिमम 600 रुपए दे सकता हूं, क्योंकि मैं भी तो अपनी पूरी प्राइस नहीं बताऊंगा। फाइनली हमारा जो प्राइस है वो 800 रुपए में डिसाइड हुआ। इसका मतलब मैं विलिंग टू पे कितना था, एक्चुअल में मैंने विलिंग टू पे कितना था मेरा 1000, लेकिन मैंने एक्चुअल कितना पेमेंट किया, एक्चुअल पेमेंट मैंने किया 800 रुपए का। तो इस केस में जो 200 रुपए है यही कंज्यूमर सरप्लस है। यानी कि कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट डज ही एक्चुअली पे। अब मार्शल ने और हिक्स ने अलग अलग तरीके से बताया कि आखिरकार हम इस कंज्यूमर सरप्लस को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। यानी कि कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट तो दोनों में ही सेम है, लेकिन दोनों का जो अप्रोच है, दोनों का जो मेजरमेंट करने का तरीका है वो अलग अलग है। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों फिलहाल आप ये भी समझ लीजिए कि कंज्यूमर सरप्लस का मतलब है कि कोई चीज जो आप जिसके लिए आप 1000 रुपए देने को तैयार थे लेकिन वास्तव में वो आपको 500 में मिल गई, तो ये जो बीच का डिफरेंस है यही कंज्यूमर सरप्लस आपका कहलाएगा। तो बच्चों मार्शल के जो कंज्यूमर सरप्लस है उसकी पहले का बार हम अजम्पशन समझ लेते हैं, फिर हम कंसेप्ट को समझ लेंगे। तो मार्शल ने जो अजम्पशन दी थी, देखिए हम मार्शल की बात कर रहे हैं, तो पहला सबसे पहली अजम्पशन है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर इन कार्डिनल नंबर्स। यानी कि मार्शल के अकॉर्डिंग हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है किसी गुड्स से जो मिल रही है उसको आप नंबर्स में मेजर कर सकते हो, ये उसकी अजम्पशन है सबसे पहली। दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कॉन्स्टेंट। यानी कि जैसे जैसे उपभोक्ता मनी को सैक्रिफाइस करता है, और टेक्निकली तो जैसे जैसे मनी की सैक्रिफाइस करोगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बढ़नी चाहिए, लेकिन उनका ये मानना था कि जो मनी की ये कॉन्स्टेंट रहेगी। इसके अलावा एवरी कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट कमोडिटी, यानी कि हर कमोडिटी को उन्होंने इंडिपेंडेंट माना। इसके अलावा इनकम, फैशन, टेस्ट एंड जो कस्टम्स है, आदतें हैं, लोगों की व्यवहार है, वो सब कुछ सेम रहता है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ कमोडिटी विच टेक फाइंडिंग कंज्यूमर सरप्लस, यानी कि गुड्स की कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है, ये बेसिक अजम्पशंस हैं। एंड एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि यहां पे भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू हो रहा है। तो बच्चों देखिए कंज्यूमर सरप्लस का जो बेस है वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि मार्शल ने
जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या सिखाती है कि जैसे जैसे कंज्यूमर एडिशनल गुड्स को कंज्यूम करता है, जैसे जैसे कंज्यूमर एडिशनल गुड्स को कंज्यूम करता है, एडिशनल गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन घटता चला जाता है। ये बेसिक अजम्पशंस है। इसके अलावा हमें यह समझना है कि यहां पर कि कंज्यूमर सरप्लस हैपेंस व्हेन द प्राइस इज कंज्यूमर पे फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज लेस देन द प्राइस दे आर विलिंग टू पे, यानी कि जो विलिंग टू पे है उसके कंपेयर में जो वो पे कर रहा है वो कम हो, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो यहां पर बच्चों हमें यह समझना है कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो अब देखिए बार बार वही बात आ रही है, इट इज डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू पे एंड एक्चुअल पे। तो इसके बारे में हम एक टेबल बना के आपको एक अच्छी सी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो एक एग्जाम्पल देके हम आपको समझा देते हैं, जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ यूनिट्स ले लेते हैं। मान लीजिए यूनिट ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम जानते हैं क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिनोट हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे आप एक्स गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाओगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स घटती चली जाएगी। तो चलिए मान लीजिए ये घटती चली जा रही है 10, 8, 6, 4, 2, 0। अब हम मान लेते हैं कि उसका जो प्राइस है, प्राइस जो है वो है उसका 2 रुपये, मान लिया। अब इसको उसने कहा विलिंग टू पे, इस यूटिलिटी को, यानी कि जितना वो देने को तैयार है वो उसकी यूटिलिटी को व्यक्त करता है, ये उन्होंने माना मार्शल ने। तो इस केस में देखिए कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा, कंज्यूमर सरप्लस हम पता करना चाहें तो यहां पर आप देख पाओगे कि इस केस में ये 8 मिल रहा है, क्योंकि इसको माइनस कर दिया ना 10 में से, मतलब वो यूटिलिटी उसको 10 की मिल रही थी लेकिन उसने प्राइस 2 का पे किया, तो डेफिनेटली उसकी जो पहली गुड से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो 8 का होगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, देखिए पहली यूनिट से उसे मिल रहा है 10 का सेटिस्फेक्शन, लेकिन वो प्राइस कितना पे कर रहा है, मान लीजिए ये प्राइस है 2 रुपए का, तो ये जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये कंज्यूमर सरप्लस से हो गया पहली वाली में। दूसरी वाली से जब वो यूज कर रहा है तो उसको मिल रहा है 8 का, यानी कि 6 का सेटिस्फेक्शन, 6 यूटिलिटी एक्स्ट्रा मिल रही है, तो दूसरी से 6 मिल रही है, यानी कि ये कंज्यूमर सरप्लस का एरिया हो गया। तीसरी वाली से आप देखेंगे तो यहां पे आपको 4 का सेटिस्फेक्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो यहां मान लीजिए ये 6 है, ये 6 है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन हो गया। इस वाले केस को देखोगे तो आपको 2 सेटिस्फेक्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो चलिए यही बात हम यहां पे ही बता देते हैं कि यहां 2 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और इस केस की बात करोगे बच्चों इसको, तो इस केस में कंज्यूमर सरप्लस 0 है, यानी कि जिस केस में प्राइस जो है वो 2 रुपए हो जाएगा वहां पर कोई भी सरप्लस नहीं मिलेगी। तो इसका सिंपल मतलब बच्चों ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जिस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, उस केस में किसी भी तरीके का आप कह सकते हो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन नहीं, सॉरी कंज्यूमर को कंज्यूमर सरप्लस नहीं मिलेगा जिस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। तो ये बेसिकली हमें समझना है, और इसका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता क्योंकि यहां पे तो हमारा ऑलरेडी सेटिस्फेक्शन हो चुका है। तो बच्चों ये तब है कंज्यूमर सरप्लस जब हम इंडिविजुअल के बारे में दिखा रहे हैं, लेकिन मार्केट के बारे में बात करें तो मार्केट के बारे में किस तरीके से बात करेंगे, देखिए मार्केट में समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है। ये मान लीजिए हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, जिसको मैं बोल देता हूं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है जी, एक्स कमोडिटी से मिलने वाली है। और ये जो है ना, ये वाला मान लीजिए ये हमारा प्राइस है, ये प्राइस है, तो मार्शल के अकॉर्डिंग यहां पे देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर है पी एक्स के, जो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। कंज्यूमर जो है वो इतनी गुड्स खरीदेगा, और ये जो है ना, ये वाला यानी कि जो टोटल यूटिलिटी, अगर हम बात करें बच्चों, देखिए अगर हम बात करें टोटल यूटिलिटी की, टोटल यूटिलिटी तो कितनी मिल रही है उसको, ओ ए ई एक्स, ओ ए ई एक्स, ये उसकी यूटिलिटी मिल रही है टोटल, जिसमें से उसने प्राइस पेड किया है, प्राइस पे कितना किया है, प्राइस पे किया है ओ पी ई एक्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये वाला एक्स्ट्रा अमाउंट, दिस वन, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा ही हमारा कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा।
यानी कि इस केस में अगर हम बात करेंगे तो इस केस में एपी और ई ही हमारा कंज्यूमर सरप्लस का एरिया है, यानी कि अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। अब हमें एक और क्वेश्चन समझना है, मान लीजिए, चलिए मैं एक और डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कंज्यूमर सरप्लस को हम एक बार और बना लेते हैं, ये हमारा मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, ये हमारा प्राइस ऑफ एक्स है, और जैसा कि हम समझ चुके हैं ये जो एरिया है ए, अब नाम अगर चेंज हो जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये हिस्सा जो है ये कंज्यूमर सरप्लस का एरिया है, मैं जिसको लाइन कर दिया है। अब सपोज कीजिए कि कंज्यूमर का जो प्राइस है, मान लीजिए प्राइस है जो वो राइज कर जाता है, मान लीजिए प्राइस दो रुपए की जगह चार रुपए हो जाता है। अब उस केस में क्या होगा, जब प्राइस दो रुपए से चार रुपए हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अब हमारा कंज्यूमर सरप्लस का एरिया ये वाला ही बचेगा, दिस एरिया, यानी कि ये एक तरीके का लॉस हो गया कंज्यूमर का। यानी कि हमें यह समझना है कि जब कंज्यूमर, जब किसी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर ज्यादा गुड्स कम गुड्स खरीदेगा, लेकिन कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है, कंज्यूमर का जो आप कह सकते हो एक तरीके से जो सरप्लस है उसमें कमी देखने को मिलेगी। उल्टी बात करें इसी तरीके से, अगर प्राइस में मान लीजिए फॉल हो जाता है, ये फॉल हो गया मान लीजिए, तो जो कंज्यूमर सरप्लस का जो एरिया है वो ये वाला कहलाएगा, ये वाला ब्लैक एरिया। तो इससे मतलब इंडिकेटर ये निकलता है कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो डिपेंड करता है किस पे, कंज्यूमर सरप्लस किस पे डिपेंड करता है, एक तरीके से आप कह सकते हो प्लस जो है वो प्राइस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर जो कंज्यूमर सरप्लस इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट डज ही एक्चुअली पे, और अगर प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर सरप्लस घट जाएगा, प्राइस घटता है तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा। आगे हम बात करेंगे बच्चों, एक तरीके से आप कह सकते हो, आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से कंज्यूमर सरप्लस जो है वो हिक्स ने अलग तरीके से बताया। यानी कि उन्होंने तो देखिए, इन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी को मेजर किया, उन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी को डिसअप्रूव किया, साथ ही साथ इनका ये मानना था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहती है, हिक्स ने उसको डिनाई किया। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।